सरकार ने बेसहारा जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मुख्यमंत्री के संरक्षण योजना आरंभ की है, जिसमें सोलर बाड़ लगाने पर 80% उपदान दिया जा रहा है और कांगड़ा जिला में इस योजना में 4 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कृषि विभाग द्वारा सुला विधानसभा क्षेत्र के मनसिम्बल में एक दिवसीय किसान संगोष्ठी में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रदेश में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को कांगड़ा में कृषि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने की सलाह दी है। कृषि और बागवानी का प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान है और कृषि उत्पादन वृद्धि पर आवश्यक बल देते हुए इसकी सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याणार्थ चालू वित्त वर्ष में 5 नई योजनाएं आरंभ की है, ताकि किसानों की आर्थिकी में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों को किसान गोष्ठी में बधाई देते हुए कहा कि किसानों को जो जानकारी यहां दी गई है उसका लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी अवगत करवाएं। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि योजनाओं को खेतों तक ले जाना सुनिश्चित करें और किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के लिए आरंभ योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे और कुलों और अन्य विकास परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता इत्यादि से कोई समझौता न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विनय शर्मा, सुला मंडल अध्यक्ष देशदास शर्मा, महामंत्री सुखदेव चंद्रवीर पाल, जिला भाजपा सचिव तनु भारती और अन्य विभागों के अधिकारियों सहित इलाके के किसान व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपायुक्त महोदय को कहा है, सीएम महोदय को कहा, आप जमीन की तलाश करें। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके आस पड़ोस नजदीक कहीं ऐसी जमीन है जहां पर कुछ नहीं होता, पानी का स्रोत नजदीक है, ऐसी जमीन को हम उस संस्था के नाम कर देंगे। और जब उस संस्था के नाम वो जमीन होगी तो कोई पैसा हम नहीं देंगे। और जैसे यहां कहा गया है कि जब गौ सदन वहां बनाया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश सरकार उस गौ सदन के निर्माण के लिए अपने बलबूते पर या अपना जो कोष है उससे पैसा देगी और 50 लाख रुपए तक व्यवस्था करेगी। तो सरकार ने तो समाज को एक काम दिया है कि भाई ऐसा कोई इलाका देखिए जहां पर गौ सदन हम बना सकते हैं, आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी और जो आवारा बेसहारा पशु हैं उनको एक स्थान पर हम इकट्ठा भी कर देंगे और जो चारा लगेगा वो कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार उसकी सारी व्यवस्था देगी, पर उस इलाके के चुनिंदा चंद लोगों को आगे आना होगा। सरकार का मतलब है आम व्यक्ति का सहयोग, और आम व्यक्ति का सहयोग कैसे हो सकता है। अब यहां पर कुछ बातें बताई गई, योजनाएं बहुत अच्छी, एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। अब मैं कई गांव में घूमता हूं तो मुझे तारे कहीं दिखाई नहीं देते, यानी आवारा पशु, बेसहारा पशु या बंदरों से अपनी जमीन को अगर हम सुरक्षित करना चाहते हैं तो सरकार ने तो योजना शुरू कर दी, और ये योजना भी जन सहयोग के माध्यम से, अगर उस जमीन के टुकड़े पर उसकी तारबंदी करनी है, अगर 5 लोग हैं तो सब्सिडी कुछ ज्यादा रखी गई, उपदान उसको कहते हैं, और व्यक्तिगत किसी को उस खेत का संरक्षण